करना और इतनी अच्छी स्टोरी लाइन के साथ, इतने अच्छे व्यूअरशिप के साथ, इट इज़ एन अचीवमेंट। मैं सबसे बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी, शुक्रिया सबका जिन्होंने इस सीरियल को इतना सराहा, अपने दिलों में बिठाया। तो कोई फिक्स प्रोसेस नहीं होता, अगर प्रोसेस होता तो सब हजार करते। तो अ लॉट ऑफ थिंग्स कम टुगेदर, अ ग्रेट कास्ट, अ ग्रेट टीम, अ ग्रेट डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, चैनल, मतलब ऑडियंसेस टू लाइक अ शो। सो देयर इज नो फिक्स फॉर्मूला, अगर एक प्रोसेस होता तो सभी शोज हिट होते। मैंने कुछ शोज़ किए हैं जो नॉट सो सक्सेसफुल रहे, कुछ शोज़ थे जो सक्सेसफुल रहे। तो एक तरह का एक शो का कमिंग टुगेदर होता है, एंड आई थिंक एवरीथिंग हैज कम टुगेदर फॉर दिस शो। कभी कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि उनका शो इतना लंबा चलेगा। चाहत होती है, तमन्नाएं होती हैं, पर पता नहीं होता कि कहाँ तक जा पाएगा। पर बहुत अच्छा लगता है जब आपकी मेहनत सक्सेसफुल हो, सिर्फ उस शो में काम करने वालों की नहीं। जैसे हमें भी खुशी हो रही है कि कुमकुम भाग्य ने इतना अच्छा मकाम पाया है, इतने एपिसोड्स कंप्लीट किए हैं, इट इज़ कमेंडेबल। ऑन दिस ओकेजन मैं बहुत लकी फील कर रही हूँ दैट वी आर वर्किंग विद बालाजी एंड अ पैरेलल यूनिवर्स ऑफ कुमकुम भाग्य विच इज़ कुंडली भाग्य। हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमें ये मौका मिला है। द होल टीम कॉन्ट्रीब्यूट्स, द पॉजिटिविटी दैट ईच वन ऑफ द टीम दैट हैज कम टुगेदर टू मेक कुमकुम भाग्य कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इट, एंड ऑब्वियसली द वन क्रेडिट इज द ऑडियंस दैट कंटिन्यूज वॉचिंग इट राइट नो मैटर हाउ बैडली। और ऑडियंस हमेशा लॉयल रही है, साथ रही है, राइट।